chapter power sharing. First of all, to ethnic variation is given. You should know the country के ये जो बेल्जियम है इसमें आपने दो कंट्रीज पढ़नी है पावर शेयरिंग में, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक है. तो आपको कंट्री पर कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए पावर शेयरिंग में से. बेल्जियम की नेबरिंग कंट्री, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स, अमेंडमेंट के ईयर्स पता होने चाहिए 1970 से लेके 1993. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर टाइम्स बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कैसी गवर्नमेंट वहाँ पे पावर शेयर्ड हुई थी, और गवर्नमेंट जो थी वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम, दैट वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम. बेल्जियम जो है वो हेडक्वार्टर बना, ब्रुसेल जो है हेडक्वार्टर बना यूरोपियन यूनियन का. यू शुड नो इट वेरी वेल. नो एथनिक वेरिएशन ऑफ बेल्जियम, यू शुड नो द टू रीजन्स ऑफ बेल्जियम, वेलोनिया एंड फ्लेमिश. वेलोनिया में आपको याद रखना है डच स्पीकिंग जो थे दे लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन वेलोनिया. एंड एथनिक वेरिएशन 59% डच इन कंट्री, 40% फ्रेंच इन बेल्जियम. आप कहोगे कि कंट्री में 1% जर्मन. वेयर एज इन कैपिटल सिटी देर वॉज स्ट्रेंज केस, कैपिटल सिटी ब्रुसेल 40%. आप कहोगे कि यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग, ओनली 20% डच स्पीकिंग. तो गवर्नमेंट फर्स्टली गेव पावर्स टू फ्रेंच स्पीकिंग एज दे वर रिच, बट देयर वर क्लैशेस. तो गवर्नमेंट फॉलोड अकोमोडेशन पाथ, तो इस वजह से उन्होंने अपनी पावर जो है वो शेयर कर ली. दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स. ईयर पता होना चाहिए, कैपिटल सिटी पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, इसके बाद अभी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोलती हूँ, लिसन केयरफुली. हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970-1993? यू नो इट वेरी वेल, फोर टाइम्स. विदाउट गिविंग ऑप्शंस यू नो द आंसर्स. विच टू लैंग्वेजेस अमंग द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशन? यू नो इट वेरी वेल, डच एंड फ्रेंच, क्योंकि वही मेजोरिटी में थे वहां पे. विच कंट्री हैज सक्सेसफुल नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग एथनिक पॉपुलेशन? अगर मैं श्रीलंका और बेल्जियम में से किसी एक में से पूछूं तो यू नो इट वेरी वेल के बेल्जियम. बेल्जियम ने क्योंकि अकोमोडेशन पाथ फॉलो किया था, तो दैट्स वाई. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम? इफ अगर आपको बेल्जियम की फोर नेबरिंग कंट्रीज पता होंगी, देन ओनली यू कैन गिव दिस आंसर. फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड, लक्समबर्ग. किसका कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती? स्वीडन. स्वीडन, यू नो, यू शुड नो द फोर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम. फोर नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी? फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग एंड जर्मनी. स्वीडन तो कभी बोला ही नहीं मैंने, तो स्वीडन जो है वो इसमें रॉन्ग ऑप्शन है. इन बेल्जियम परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी, अब भी मैंने बताया फ्रेंच कम्युनिटी, क्योंकि मैं कैपिटल सिटी की बात नहीं कर रही. अगर मैं कैपिटल सिटी की बात करती तो मैं पूछती इन ब्रुसेल, पर यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ इन बेल्जियम. तो अब आप बताओगे 54% के 39%. कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग कितने परसेंट थे? 54, 40 के 30%. हरी आप टेल मी, 40%. आप क्यों ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो? 59% डच स्पीकिंग इन कंट्री, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग, तभी 100 बनेगा ना. पर कैपिटल सिटी ब्रुसेल है तो फिर फ्रेंच स्पीकिंग कितने हो जाएंगे? 80%. अगर बेल्जियम है तो फ्रेंच स्पीकिंग 40%. सो यू शुड नो. नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? अब एक लैंग्वेज बतानी है डोमिनेंटली, दैट वॉज डच. कैपिटल ऑफ बेल्जियम, अभी मैंने बोला ब्रुसेल्स. बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर्स विद, वो तो सभी अभी मैंने बोलिया कंट्रीज. वट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? अगर एक मिनट, अगर आपको कैपिटल सिटी में उनका नंबर पता है, उनकी परसेंटेज पता है, तो यू कैन गिव आंसर 80%. बेल्जियम हैज वर्क्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, लिसन केयरफुली, मेजोरिटेरियनिज्म,
accommodation, because Belgian leaders followed accommodation path. Next is, which of the following step was not taken by Belgium leaders to accommodate social differences? अब एक मिनट मैं बोलूंगी, आप बताते जाना कौन सा स्टेप उन्होंने नहीं लिया. लिसन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू डच एंड फ्रेंच, तो ये तो हम कहते हैं कि उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी. सेकंड इज स्पीकिंग, सेकंड बोल रहे हैं मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन टू स्टेट, हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने किया. कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म, हम ये भी कहते हैं कि वहां पे बनी. प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म वाज फॉलोड, बेल्जियम ने तो फॉलो ही नहीं किया मेजोरिटेरियनिज्म, ये तो श्रीलंका ने फॉलो. अब ऊपर मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर दूं, आउट ऑफ दिस विच फीचर वाज फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो कौन सा आएगा, मेजोरिटेरियनिज्म वाला. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय, नाउ लिसन केयरफुली, किन्होंने इसको इलेक्ट किया था. सबसे पहले तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मन, ऑल द सिटीजंस, ऑल द कम्युनिटी लीडर्स, ऑल द लीडर्स. People belonging to one language community, Dutch, French and German. Under which of the following is power shared in community government of Belgium? Listen carefully. Different social groups, different organs of the government, different state levels of the government, state government and community government. Iske saath share hui. Hum kehte hain community government was formed in Belgium. जब हम करते हैं पावर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो उसमें एग्जांपल किसकी देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया, बिकॉज इन इंडिया पावर शेयर्ड बाय विद एससी एंड एसटी, एंड बेल्जियम के एग्जांपल नहीं देते पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो क्या आएगा यहाँ पे? पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ऑर्गन्स भी नहीं है, लेवल्स भी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. नेक्स्ट इज In the capital city, Brussels, 80% people speak. वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं. 20% people speak. 20% Dutch. 20% Dutch. 80% French. Next is Constitution of Belgium prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers dash in central government. इधर वो कह रहे हैं कि French speaking will be more, Dutch speaking will be more के equal. उन्होंने इक्वल रखा था कि चेंजेस किए थे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू ऑल. हाँ तो बाद में पूछ ली कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू ऑल, मे बी डच मे बी फ्रेंच. नेक्स्ट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर्स डज इट होल्ड, इनके पास पावर कौन सी थी? कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड, पॉलिटिकल, डिफेंस, विच पावर दे एंजॉयड, कल्चरल एंड लैंग्वेज. उनके पास पॉलिटिकल पावर थोड़ा थी, कल्चरल एंड लैंग्वेज बेस्ड थी ना ये गवर्नमेंट, तो कह तो रहे हैं वो लैंग्वेज. हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टूगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर, डैश वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर, सॉरी वेन हाउ मेनी नहीं वेन मैनी कंट्रीज, उन्होंने किसको अपना हेडक्वार्टर बनाया? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसको बनाया गया बताओ? ब्रुसेल्स बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट इज द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज, नाउ लिसन केयरफुली, डिफरेंट रिलीजन्स, सोशल डिविजन ऑन शेयर्ड कल्चर. नेक्स्ट इज violent conflict between opposite groups, social careful calculation of gains and losses, social divisions of shared culture. Next, फिर बार बार वही क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछी हुई है, यू नो इट वेरी वेल, बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज पूछी हुई है, सब कुछ वही है. Next is major caste group of Sri Lanka. Batao. Dhyan se sunna. First is Christian and Tamil, Buddhist and Hindu, Sinhala and Tamil, and Sinhala and Christian. Sinhali and Tamil, yehi aayega. Religion नहीं है, कास्ट उन्होंने पूछा कौन सी. हाँ
Sinhali and Tamil. Next is Sri Lanka got freedom in 1948. In 1980, several political organizations were formed in Sri Lanka demanding independent Tamil Elam in which part of the Sri Lanka? उन्होंने किस पार्ट में, ईलम का मतलब पता ना, सेपरेट स्टेट फॉर तमिल, उन्होंने किस पार्ट में मांगा था? नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट के ए एंड बी, ए एंड बी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट. नेक्स्ट इज, चलो अब ये बताओ, An act of recognizing Sinhala as the official language was signed in which year act was passed in Sri Lanka? 1956. एक मिनट, अगर years बताएंगे ना, then you can do the events in correct orders. You can write the events in correct orders. अगर आपको years नहीं ना बताएंगे, you can't write the events in serial order. For example, जैसे मैं बोल दूँ कि आपको ईयर ही नहीं पता, तो हाउ कैन यू डू दिस. जैसे मैं बोलूं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, साथ में मैं बोलूं श्रीलंका गॉट फ्रीडम, तो क्या पहले आएगा? बच्चों ने सोचना है शायद बेल्जियम पहले पढ़ा, तो बेल्जियम वाला इवेंट पहले आएगा. गलत. जैसे आपको पूछते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, तो बच्चे हमेशा पहले जर्मनी बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी पहले गया. जबकि आपको ईयर्स पता होंगे तो यू कैन डू. इटली की यूनिफिकेशन हुई 1860, 1861, जर्मनी की हुई 1871, तो इटली पहले आना चाहिए. इधर आप सोचो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किस ईयर्स में हुई? 1970 to 1993. तो एक साइड में बोल रही हूँ श्रीलंका गॉट फ्रीडम, तो श्रीलंका भी अगर फ्रीडम का ईयर पता है, तो आप एक मिनट में बताओगे तो कौन सा इवेंट पहले हुआ? श्रीलंका गॉट फ्रीडम पहले आना चाहिए. वहां पे ये ना सोचना श्रीलंका हमने बाद में पढ़ा, तो श्रीलंका बाद में ही जाएगा. अगर आपको years पता है तो आप तभी कर पाओगे ये वाले events, otherwise you can't do this, ऐसे वाले questions नहीं कर पाओगे. तो ये civics में से भी आने हैं, यही question आपको history में से भी आने हैं. Write the following events in serial order. Next, by 1980 several political organizations were formed demanding. Now listen carefully. अब बताना सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तो श्रीलंका में बनी थी, वो क्या मांग रही थी? राइट्स, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, सॉवरन स्टेट, प्रायोरिटी इन जॉब्स ऑफ तमिल्स. क्या मांगा उन्होंने? अब भी बताओ, उन्होंने जॉब्स मांगी थी कि इलम? इलम, इलम मीन्स सेपरेट स्टेट ही तो मांग रहे थे वो. व्हेन डिड सिविल वॉर इन ऑफ श्रीलंका एंड? 2010. ये से बुक में ईयर दिया नहीं हुआ, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं भी पूछते होते. नॉलेज के लिए रखो याद कि श्रीलंका में सिविल वार कब खत्म हुई? 2009 में सिविल वार जो थी केम टू एन एंड. इन श्रीलंका देयर आर अबाउट -% क्रिश्चियंस, बोथ तमिल एंड सिन्हाला. 7% नेक्स्ट, इन मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका, बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका. मेन लैंग्वेज, विच कंट्री फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म? श्रीलंका. विच कंट्री फॉलोड अकोमोडेशन पाथ? बेल्जियम. तो इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन होंगे. इन श्रीलंका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect the -Tamil Indians. Listen carefully, Hindu, Buddhist, Christian, Islam. कौन से रिलीजन के लिए उन्होंने किया था सब कुछ? हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लाम. वहां का मेन रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म, तो बुद्धिस्ट ही आएगा. श्रीलंका, इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ डैश मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. अब आप बताओगे उन्होंने कैसे उनकी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया? अकोमोडेशन पाथ, बाय फॉलोइंग डेमोक्रेटिक पाथ,
कि पॉलिटिकल मैटर से किया कि मेजोरिटेरियनिज्म से किया, मेजोरिटेरियनिज्म बिकॉज श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म, तो इस वे से आएंगे. पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, सिविल वार, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. वहां पे ऐसा क्या हुआ मेजोरिटेरियनिज्म आने से? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आई कि सिविल वार हुई? सिविल वार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म? नाउ लिसन केयरफुली, मेजोरिटेरियनिज्म में कौन सी चीज नहीं आती? फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ऑफ टू पावर्स इन हाला कम्युनिटी इन जॉब्स. सेकेंड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिस्ट. नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप टू श्रीलंकन तमिल्स. बताओ इसमें क्या आएगा? ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप टू श्रीलंकन तमिल्स, यही आएगा ना? उसमें था ही नहीं. आपने उनका कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने एक्ट पास किया तो ये सब कुछ उन्होंने किया, उन्होंने सिनहाला कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने सबसे पहले बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया, उसे रिलीजन को मेन बनाया. क्या कहीं पे भी उन्होंने तमिल को सिटीजनशिप दी? नहीं, तो ये नहीं आएगा उसमें. बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्मड इन श्रीलंका डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलेम इन विच ऑफ द, अच्छा ये हमने अभी किया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. नेक्स्ट, अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, वट इज सिविल वॉर? वेन देर इज वॉर बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री. वेन देर इज वॉर बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री. नेक्स्ट, विच इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? लिसन केयरफुली. Reduces the chances of conflict between the people of different social group. It is the very spirit of democracy. Which is the prudential and which is moral reason? दोनों में से बताओ. मैंने दोनों बोले हैं. You have to select which is prudential, which is moral. एक बार मैं फिर बोलती हूँ. It reduces the chances of conflict between the people of different social group. ये क्या है? किसका आंसर है ये? Moral और prudential. मोरल का है इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. प्रूडेंशियल का है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. आपको पेपर में मोरल भी पूछा जा सकता है, प्रूडेंशियल भी पूछा जा सकता है. यू शुड नो. लिसन अगेन, अगर प्रूडेंशियल आए तो आपने लिखना इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. आप ये भी तो बता सकते हो, इट मेक्स इजी फॉर द पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. ये सारे प्रूडेंशियल ही तो हैं. अगर मोरल पूछा जाए तो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. कोई भी इनमें से आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिविजन ऑफ पावर्स? फेडरल कहाँ कहाँ पे है? लिसन, इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका. बताओ फेडरल कंट्री कौन सी है? इंडिया एंड बेल्जियम बोथ आर फेडरल कंट्रीज. तो अगर मैं पूछूं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नाउ लिसन केयरफुली, यूके, यूएसए एंड इंडिया, कौन सी यूनिटरी है? कहाँ पे यूनिटरी है? यूके. अगर मैं यूके की जगह श्रीलंका बोल दूं तो फिर श्रीलंका में भी यूनिटरी है. श्रीलंका फेडरल नहीं है, श्रीलंका यूके यूनिटरी है. इंडिया, इंडिया को हम फेडरल कहते हैं क्योंकि इंडिया में कई कुछ फीचर्स यूनिटरी से मैच होते हैं, बट वी आर सेइंग इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. इंडिया कमिंग टुगेदर को फॉलो करता है कि होल्डिंग टुगेदर? अगर मैं पूछूं कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फाउंड एंड, लिसन केयरफुली, मैं इसमें बोलूं सबसे पहले कमिंग, मैंने कमिंग टुगेदर बोला. अब इसमें मैं ऑप्शंस में बोल रही हूँ बेल्जियम, स्पेन एंड फिर मैं बोल रही हूँ स्विट्जरलैंड.
स्विट्जरलैंड में कौन सी फेडरेशन है कमिंग टुगेदर, वेयर एज अब इसी को मैं उल्टा करके बोल लू, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और मैं पूछ रही हूँ आपसे होल्डिंग टुगेदर कहाँ पे है, होल्डिंग टुगेदर इज इन इंडिया, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर की कंट्रीज बतानी चाहिए, बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, और उसकी यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर की, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यूनिटरी कहाँ पे है, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे है, ये भी पता होना चाहिए, जो बुक में दी है ना कंट्रीज वो तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, इट हैज टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी और फेडरल, इट हैज सिंगल, इट गिव सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप, यूनिटरी, तो ये ऐसे वाले हिंट देके आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल पावर का बताना है आपने, हॉरिजॉन्टल इसमें से मैं कौन सा करेक्ट बोलूंगी, यू शुड टेल, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स, कोलिजन गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, अगर मैं पूछूं लेवल्स, अगर मैं पूछूं वर्टिकल, वर्टिकल में आप किसको सिलेक्ट करोगे, लेवल्स, अगर मैं पूछूं कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स, कोलिशन, सोशल ग्रुप्स, हम क्यों भूल जाते हो आप, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम वाज सेट अप, ठीक है, फिर हम कहते हैं ना कि इंडिया में, अब मैं पूछूं इन इंडिया पावर्स आर शेयर्ड बाय एससी एंड एसटी, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स, कोलिजन, सोशल ग्रुप्स, इन इंडिया पावर्स आर शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, किसकी एग्जांपल है, कोलिजन।